पकड़ 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 पलड़ गया Okay. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हमने डल लेक में कई सारी इन्वेंशन देखी जिसमें एक्वासाइकल था और जिसमें जॉर्बिंग बाल भी थी और आज जो है यहाँ पे एक पार्क भी बनाई गई है, क्या क्या है यहाँ पे? जी मेरा नाम तजीम है और जो हमने ये इन्फ्लेटेबल एक्वा पार्क स्टार्ट किया है 3 से 4 दिन हो गए इसको, तो आप देख सकते हैं इससे पहले भी हमारे पास एक्वासाइकल था तो वाटर रोलर था और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उसके बाद हमने ये चीज़ जो लाई है ये नहीं, इसे इन्फ्लेटेबल एक्वा पार्क कहते हैं तो ये अच्छा है और इससे जो इसके आने से ये हो गया कि जो डल लेक था वो मुझे लगता है और ही खूबसूरत देखने को लग रहा है। डल लेक तो पहले से ही खूबसूरत था, बिल्कुल। क्या लगता है इससे जो है लोग मुतवज्जा होंगे, अट्रैक्ट ज़्यादा होंगे इससे? बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये चीज़ नई है और लोग इसे लाइक कर रहे हैं, आ रहे हैं और इसका लुत्फानंदाज़ कर रहे हैं, हर एक को ये अच्छी लग रही है क्योंकि ये नई चीज़ है, मुझे लगता है इंडिया में नई चीज़ है तो हर एक आता है, तो बाहर का हो कश्मीर का हो तो हर एक इसको प्रेफरेंस देता है। कुछ फिलहाल जो है प्राइसेस इसकी रहती है, जो कुछ भी यहाँ पे आना चाहेगा? फिलहाल इसकी प्राइसेस के बारे में तो कुछ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा, ये ट्रायल बेसिस पे है तो कब से शुरू होगा पूरी तरह? पूरी तरीके से ये जब इनका इसके बारे में भी हम ही बात कर सकते हैं कि प्राइसेस क्या है, तो हाफ एन आवर के लिए हम इसको रखेंगे, प्राइसेस में भी 300 to 400 रुपीज़ रह जाएगा। अगर देखा जाए डल के बीचों बीच है जी, तो जो अगर यहाँ पे बच्चे खेलने आए या बड़े हो उनके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर रहती है? बड़े हो या बच्चे उनके लिए सेफ्टी मेजर्स यही हैं, लाइफ जैकेट उन्हें प्रोवाइड किया जाता है आने से पहले, तो उसके बिना हम किसी को अलाउ नहीं करते हैं। हमारे स्विमर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे साथ मौजूद हैं उनके साथ, तो हम लाइफ जैकेट के बिना किसी को अलाउ नहीं करते हैं, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि लाइफ जैकेट उन्हें दिया जाता है।